द फैक्ट फाइंडर, सच्चाई से रूबरू। Ankara Niğde Otoyolu'nun Sadr Recep Tayyip Erdoğan ne kaha hai ki hum kamyabi ke ek naye daur ke aghaz ki khatir saal 2023 mein jamhooriya ke 100 saal mukammal hone tak puri quwwat se kaam karte rahenge. Koi bhi taqat hame apne ehdaaf hasil karne se rok nahi sakti agar hum itihad yagangat aur bhai chare ka muzahira kare. सदर अर्दोगान ने कहा कि हमारी कौम ने हमेशा इत्तेहाद और यकजहती में इसके झंडे वतन और आज़ादी को लाहक खतरात का मुकाबला किया है। हमारे तमाम शहरी जवान और बूढ़े मर्द और ख़वातीन आज़ादी अपनी जंग में जोश व जज्बे और जोश व खरोश के साथ इसने हमेशा कौमी ख्वाहिश और अपने मुस्तकबिल की हिफाजत की है। जब तक कि ये इत्तेहाद और यकजहती जारी रहेगी हमारी आज़ादी इकदार और भाईचारे को लाहक खतरात की कोई हैसियत नहीं है। शर पसंद अनासर की साजिशों के पर्दे वतन अजीज में और बैरून मुल्क भी एक एक करके चाक हो रहे हैं जो अपनी साजिशों के जरिए तुर्की को तरक्की की राह से हटाना चाहते हैं। हालांकि वो ऐसे अनासर की पुष्ट पनाही करके दहशत गर्दी और अफरा तफरी फैलाकर बगावत की कोशिश तक करके दूसरे कई जाल बिछा कर भी ऐसा नहीं कर सके, इसलिए इन्हें एक मरतबा फिर मायूसी का ही सामना करना पड़ेगा। सदर अर्दोगान ने कहा क्योंकि हकाइक सबके सामने है, वो इन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए हम जिस मंसूबे में हाथ डालते हैं आवाम हमारे शाना बशाना होते हैं। हम इस कामयाबी को हर कीमत पर आगे ले जाएंगे जिसे हम तुर्की की आज़ादी और मुस्तकबिल की जंग की हैसियत से देखते हैं। सदर अर्दोगान ने कहा कि पूरी कौम जन्नत नुमा इस सरजमीन की हर तरह से हिफाजत करेगी और इसे कभी तकसीम नहीं होने देगी। जो भी हमारी सरजमीन हमारे परचम और हमारी आज़ादी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।